चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं ये बबल। हेलो पापा, मैं भी आप ही को याद कर रही थी। क्या पापा को पुलिस पकड़ के ले गए? पर क्यों निराली, ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। निराली निराली, पापा नबील नबील, पापा को पुलिस पकड़ के ले गई है। आखिर एक दिन तो ये होना था जानू, आखिर कब तक पापा जी अपने काले करतूत छुपाते? पापा ने कुछ नहीं किया, नवाब जेल से भाग गया और अगले दिन पुलिस पापा को पकड़ के ले गई। परेशान ये हूँ कि पुलिस ने पापा को कहाँ कहाँ से पकड़ा होगा। ना तो तेरे पापा को जरूरत क्या थी मंशियात बेचने की? मेरे पापा कोई गलत काम नहीं करते माँ जी, वो एक इज्जतदार इंसान है। नबील प्लीज कुछ करो यार। और जानू बस कर दो, पापा जी शराबत का सिर्फ ढोंग करते हैं, उनका तो असली बिजनेस यही था जहाँ से इनकम आ रही थी इतनी सारी। पापा नवाब की वजह से अरेस्ट हुए, प्लीज कुछ करो यार। चलो तुम एक काम करो, हम सब की ना लाहौर की टिकटें करा दो, लेकिन फर्स्ट क्लास की कराना तुम्हें पता है मैं सिर्फ फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता हूँ। वो जो तुम हमेशा फर्स्ट क्लास में करते हो वो ट्रैवल है? हां जी। जानू जल्दी करो, मैंने लाहौर जाके पापा जी का सारा कारोबार भी संभालना है। मनुष्यात का सारा कारोबार अच्छी तरह संभाल लेगा ना? ओ माँ जी, मैं पापा जी के साफ सुथरे कारोबार की बात कर रहा हूँ, पापा जी तो अब लंबे ही गए। नबील मुझे लाहौर जाना है, किसी भी तरह मुझे भिजवाओ। ओ जानू वही तो कह रहा हूँ, जल्दी से टिकट करवाओ। मैं ना जहाज में खाना खाने के लिए ना आलू के परौंठे और मच्छियों का अचार पैक कर लेती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है माँ जी, पापा ने अब तक इस महीने का खर्च भी नहीं भेजा। भाई नहायत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है तुम्हारे पापा ने। भाई अगर जेल जाना था तो कम से कम हमें 6-7-8 महीने का खर्चा तो दे जाते। मुझे आप लोगों से बात करनी नहीं चाहिए थी। मेरे बेचारे पापा। माँ जी एक काम करें। हाँ जी। गई गई, चाय बना के लॉन में ले आए, हम पापा जी की ये जो गिरफ्तारी है इसको सेलिब्रेट करेंगे। आखिरकार वो बर्फानी रिच को सजा मिल गई। लुटी है जबालो, लुटी है जबालो, लुटी है तुम काम करो तुम्हारी कमर में। अरे ले आए माँ जी, आज वो आज बड़ी खुशी का दिन है, मजा आ गया माँ जी, मजा आ गया है। और मेरी तो दुआ है कि पापा जी को उम्र कैद हो जाए। आमीन। अरे क्या आमीन करवा रहे हो नबील? अरे 2 मिनट के लिए सोचो, अगर तुम्हारे ससुर सारी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेंगे, अरे तो हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा भाई? सही कह रहे हैं मुसाफ, खर्चे वाली बात तो मैंने सोची नहीं। सोचने के लिए ना दिमाग की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास है ही नहीं। हम तीनों में से सिर्फ मेरे पास है शफाक। महमूद के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास। वैसे मुझे आप दोनों को बचाने के लिए, बल्कि आप दोनों का पापी पेट भरने के लिए एक नया सुसर ढूंढना। दूसरा सुसर तो खैर मैं भी ढूंढ सकता हूँ। अगर आपने दूसरी शादी की ना तो मैं आपको दफनाऊंगी नहीं, जला दूंगी। ओ यार माँ जी, जलाने की जरूरत नहीं है, मसाला लगा के रख लेंगे, बच्चों को डराने के काम आए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर तय ये रहा कि दूसरी शादी किए बगैर घर के खर्चे का इंतजाम होना चाहिए। कोई ना कोई तो हल निकाल ही लेगा यार इस मसले का। लेकिन महमूद साहब ठंड पड़ गई है कलेजे में, काश मैं उस मोटे रीच को सलाखों के पीछे देखता और सेल्फी बनाता उसके साथ। हजारों ख्वाहिशें हैं ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। आ रही हूँ। कौन है भाई, तेरा मुंह किधर है? घर में कोई है तो नहीं? सब है घर में, मश्ताक वकील शहीर सब है। मेरा मतलब पुलिस तो नहीं है घर पे? ला पुलिस, मेरा तो आप पुत्र पुलिस में है। नबील ने पुलिस ज्वाइन कर लिया। ब्लॉक जल्दी से ब्लॉक से। वकील शीर मश्ताक जरा बाहर आओ। ओ क्या हो गया माँ जी, क्या हो? अरे ये कौन है? ओए नबील तूने पुलिस ज्वाइन कर लिया? ओ भाई तू है कौन, मुंह से कपड़ा तो हटा। ओए नवाब तू यहाँ, और तेरी वजह से मेरे प्यारे पापा जी जेल में है यार,
मैं तेरी जान ले लूंगा। और बस करो बस, ज्यादा ड्रामे ना कर। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है वो कितना जहर लगता था वो सांड तुम लोगों को। हाँ पुत्र लगता तो है। और तो फिर मेरा और तुम्हारा दुश्मन तो एक ही हुआ ना। और वैसे भी मैंने तो उसको जेल में नहीं करवाया ना, और मैं तो जेल तोड़ के भागा था। अब उसको अगर पुलिस पकड़ कर लेगी उसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है, लेकिन हमारा घर तो पापा जी चलाते थे ना, इस घर के खर्चे का क्या होगा? और मैं हूँ ना, और मैं चलाऊंगा घर का खर्चा। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, अंदर चलकर बात करते। ये तूने कोई तसल्ली बख्श बात की है, अंदर नहीं आना, अंदर खूबसूरत को पता चल जाएगा। मैं महमूद साहब को यहीं बुला लेता हूँ, वो अपने बड़े बड़े कान लेके आएंगे ना, अच्छी तरह सुन लेंगे तुम्हारी बात। महमूद साहब और जल्दी आइए, जल्दी आइए। हम लोग इधर लॉन में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए, केस आ गया। केस आ गया। अरे क्या है नबील, तंग करते हो भाई, क्या हुआ है? अरे नवाब तुम नबील, नबील से भागने मत देना। ओ यार महमूद साहब आहिस्ता बोल, नहीं अस्पताल है, देते ऑपरेशन भी हम देने। अंदर खूबसूरत सुन लेगी, पहले उसकी बात सुने। इजी रिलैक्स। अच्छा बैठे, अच्छा 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 बैठे। लो भाई मुझे लगता है कि यहाँ कोई तगड़ी सी डील होने वाली है। हाँ इशफाक, इस शहाब की भी कुछ सुन ले, बोल हसाम। और नवाब, माँ जी नवाब, वो मेरी कोई गलती नहीं है। वो देखिए मैं तो खुद जेल से भागा था, मुझे क्या पता था कि वो दुल्ला भाई को ले जाएंगे। वो भाई मैंने तो अपनी जान बचाई है, और अब मैं आप लोगों की जान भी बचा सकता हूँ। वो कैसे? अगर तुम लोग मुझे अपने घर पे पनाह दे दो तो तुम लोगों को इतने पैसे दे दूंगा और तुम्हारे 6-8 महीने तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। अगर फरजाना को पता चल गया ना तो वो तेरे साथ हमें भी जेल भेज देगी मीसनी। हाँ हाँ, अरे वो तो तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगी यहाँ पे। और सोचो वो यार, कुछ तो सोचो। और मैं मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ओ भाई तू जेल से खजाना लूट के भागा है? अरे मेरी बात सुनो, लाखों की पेमेंट आएगी यहाँ। अगर तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो तो जितने पैसे आएंगे उसमें से तुम्हें भी दूंगा। वशे, फिर तो उसे छुपा लेते मसूद। अरे इतनी बड़ी लाश को छुपाएंगे कहाँ? हम ना इसे लैटरीन में छुपा देंगे मसूद। महमूद। हाँ हम इसे ना महमूद के साथ लैटरीन में छुपा देंगे। आइडिया, आप लोगों को हेलमेट वाला बाबा याद है? हम इसे हेलमेट वाला बाबा बनाएंगे ना तो उसको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। ओ यार एक सेकंड ठहर जाओ, वो हेलमेट पहना के मुझे कहीं वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल तो नहीं चलवाओगे? अरे नहीं भाई, बस तुम एक बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारा हेलमेट ना उतरने पाए। अगर तुम्हारा हेलमेट उतरा ना, अरे तो खूबसूरत पुलिस बुला लेगी। बस अब चल इसी बात पे थोड़ा सा एडवांस रखा हाथ पे ताकि मैं पिज्जा वीजा मंगवा लूं। नबील ये लो 1,00,000 रुपए, ये रख लो, बाकी मेरा बंदा आएगा बाद में फिर ले लेना। अच्छा चलो ठीक है, नोट भी ठीक है। महमूद साहब चले इसके गेटअप का बंदोबस्त करते हैं। वो जो इसके गेटअप का हमने करना है वो बंदोबस्त है? हाँ जी। अच्छा जी, चल भाई, और इसके नाप का गेटअप मिलेगा। आओ इधर आओ भाई, इधर आओ। जानू हम पापा जी के लिए ना खत्म करवा रहे हैं। मेरे पापा जिंदा है नबील। जानू मैं खत्म करवा रहा हूँ, मैं उर्स थोड़ा करवा रहा हूँ उनका। कोई नहीं पुत्र, फिक्र ना कर, बहुत जल्दी लुढ़क जाने उन्होंने। क्या हो, कह रही हो तुम मुमताज? ले मैंने तो मुमताज कहा ही नहीं है। अरे भाई नबील के कहने का मतलब ये है कि पापा जी के लिए दुआ रखी है ताकि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। सिर्फ यही नहीं जानू, हमने तो पापा जी की खातिर युगंडा से हेलमेट वाले बाबा भी बुलवा लिए। क्या हेलमेट वाले बाबा? हाँ बच्चू, पर हेलमेट उतारना नहीं है तूने, क्योंकि तुझे पता लग जाए ना कि अंदर कौन है। कौन है हेलमेट के अंदर? जानू मोक्कल हेलमेट वाले बाबा के मोक्कल भी उनके हेलमेट के अंदर ही होते हैं। जानू करवाती हेलमेट है, जैसे महमूद साहब का मुंह करवाती है ना, इसी तरह उनका हेलमेट करवाती है। अरे तुम फिर मेरे मुंह को बीच में ले आए हो नबील। जो भी हो नबील, मुझे अभी बाबा वगैरह समझ में नहीं आते। देख दर्दाना, हेलमेट वाले बाबा तोड़ करेंगे ना तो तेरे पापे के यहाँ 8 लड़के होंगे। माँ जी पापा को बच्चे नहीं चाहिए ना? तो कोई नहीं, बच्चियों के तवीज ले लेंगे हेलमेट वाले बाबा से। मेरा ख्याल है बाबा जी आ गए, उनका इस्तकबाल जबरदस्त होना चाहिए। अगर बाबा जी चाहेंगे तो पापा जी मिनटों में बाहर आ जाएंगे। जानू वो कैसे? खुद अंदर जाके। क्या? अरे इसका मतलब है कि ये बाबा जो है ना बहुत पहुंचे हुए हैं, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। हाँ अभी फिलहाल दरवाजे में पहुंचे, उनको ले गया। आज वो जानू, आज मैं इस्तकबाल करें बाबा जी। आओ आ जाओ, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाले बाबा।
वाला बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाला बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाला बाबा, हेलमेट वाले बाबा। बच्चों एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे रिदम में हेलमेट वाला बाबा आ आ, हेलमेट वाला बाबा ओ ओ, हेलमेट वाला बाबा आ आ, हेलमेट वाला बाबा ओ ओ। हेलो खूबसूरत, कैसी हो तुम? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, और मैं तो तुम्हारी शक्ल देख कर के आ रहा हूँ। क्या जानू, बाबा जी को सब पता है, इन्हें तो तुम्हारे पापा जी का भी पता होगा। हाँ लड़की, तुम्हारा बाप इस वक्त जेल में पत्ते खेल रहा है। क्या भाई, तो अब तक कितना जीत गए पापा जी? अरे इनको छोड़े, आप कुछ और बताए ना। ठीक, आधे घंटे के बाद तुम मेरे लिए चाय का इंतजाम करोगी और मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के लिए तावीज दूंगा। ठीक है पापा जी, मेरा ख्याल है अंदर चलते हैं। हेलमेट वाले पापा, 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 हेलमेट वाले पापा। बाबा जी, आप अब हेलमेट उतार सकते हैं। अरे नहीं बाबा जी, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? आप ये नहीं कर सकते, आप अपना मुंह नहीं दिखा सकते। क्यों, क्यों नहीं दिखा सकते? हाँ सही कह रही है, क्यों नहीं दिखा सकते? यार मैं मुंह साहब, आप बताए ना, क्यों नहीं दिखा सकते? अरे भाई, अब इनके चेहरे पे ना बहुत जलाल है, अरे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, हम सब जल के भस्म हो जाएंगे। अब फिर तो आप हेलमेट पहने रहे, आप ऐसे ही तावीज दे दें बाबा जी। मैं तुम्हें ऐसा तावीज दूंगा कि तुम्हारा शोहर खून थूक थूक के मरेगा। क्या कर रहे हैं पापा जी, कंट्रोल करें यार, ये क्या कह रहे हैं आप? अब मुझे मेरे पापा के लिए तावीज चाहिए। पहली दफा ऐसी बेटी देखी है जो बाप की मौत का तावीज मांगने आई है। मैं पापा की रिहाई का तावीज मांग रही हूँ। हाँ बाबा जी, इसका पापा जो है ना मनुष्यात का कारोबार करता है ना, तो इसलिए उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। तो आप उसको तो छोड़ें, दफा करें, मुझे मेरे मिये के लिए तवीज दें ताकि मैं इसे काबू में रख सकूं। अरे मुमताज, अरे ये नवाब है। हाय, मैं तो भूल ही गई थी कि ये वहाब है। कौन वहाब? वहाब रियाज। छोड़ो जानू छोड़ो, माँ जी को कहाँ कुछ याद रहता है यार। और नहीं बच्चों, मुझे सब याद है, बताऊ अभी प्लान? बताऊ कैसा प्लान? अरे भाई यही प्लान कि हेलमेट वाले बाबा से तुम्हारे पापा की रिहाई का चिल्ला कटवाएंगे। मैं अकेले में चिल्ला काटूंगा और मेरे पास कोई नहीं आएगा। ऊपर वाला कमरा खाली ही है ना, अब मैं वहाँ जाऊंगा। आपको कैसे पता चला कि ऊपर वाला कमरा खाली है? अरे वाह पापा जी वाह, आपकी क्या बात है यार, पापा जी बहुत पहुँचे हुए हैं, इससे पहले कहीं और पहुँचे। हम पापा जी को लेके चलते हैं। हेलमेट वाले पापा, हेलमेट वाले पापा, हेलमेट वाले पापा। और लंबे लंबे सांस ले, लेकिन उसके साथ पैसे भी दे दे भाई, अभी तो सिर्फ तूने 1,00,000 रुपए दिए। फोन कर दिया है, मेरा बंदा पैसे लेकर आ ही रहा होगा, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, बस मुझे मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ छुपा लो यार। अरे भाई जितने दिन रहना चाहते हो रहो, आराम से रहो, कोई मसला नहीं है, लेकिन 2,00,000 रुपया रोज के हो। हाँ, 2,00,000 रुपए? और मैं कोई बैंक लूट कर आए हो? अबे नहीं लूटा तो लूट भाई, मैं तो कह रहा हूँ हेलमेट वाला गैंग शुरू कर दे। हाँ। जम के कर डकैती। हाँ। और छुपने के लिए ना हम तुझे ये कमरा किराए पे दे देंगे। मुझे परेशान मत करो, तुम लोगों को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, और मुझे सुकून का सांस लेने दो और जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। जा रहे जा रहे, चिल्ला अच्छी तरह काट लेना। यार बात सुनो, जा रहे हो तो खुदा के लिए कुछ खाने पीने के लिए कुछ चाय बिस्किट ही भिजवा दो। अरे खूबसूरत और मोमो को कह दिया ना, वो बना रही है चाय भी और बिस्किट भी भिजवा रहे हैं, तुम सब्र कर लो थोड़ा सा, तुम क्या ससुराल में आए हुए हो? यार मैं सब बस कर रहे यार, नवाब है, नवाब भेज रहे। अच्छा भेज रहे, सबर सबर। माँ जी, आपको ये बाबा कैसे लग रहे हैं? ना मैं लड़के को देखे बगैर रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकती। माँ जी, मैं किसी लड़के की नहीं, हेलमेट वाले बाबा की बात कर रही हूँ। क्या रात को सोते हुए भी हेलमेट में सोएंगे? अब ये तो मसूद और कफील से पूछना पड़ेगा। तबस्सुम उनसे क्यों पूछना होगा?
अच्छा आप ये बताएं, उनकी तावीज से पापा को कोई फायदा होगा? तेरे पापे का तो मालूम नहीं पुत्र, लेकिन हमें जरूर फायदा होगा। आप लोगों को कैसे फायदा होगा? अब वो तो मैं भूल गई, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना शुमेला। माँ जी, अगर बाबा जी की तावीज से पापा रिहा हो गए ना, तो मैं नबील के लिए भी तावीज कराऊंगी। ओए, तू मेरे पुत्र पे तावीज कराएगी? डेन, उसकी नौकरी के लिए तावीज लूंगी माँ जी। चुप है, तू देख ना बाबे से मैं कैसा तावीज लूंगी कि तेरा पापा अपनी सारी जायदाद जमील के नाम कर देगा। कौन जमील? मेरा फूफा। मेरे पापा अपनी जायदाद आपके फूफा के नाम क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा फूफा उनका भतीजा है ना। मुझे माफ कर दे माँ जी। है? चल ठीक है, मेरे पाँव पड़ दे। सुन भाई हुमा, तू नाज को, रजिया और अजरा और बिस्मा और मेहमा को सबको बता देना हेलमेट वाले बाबा के बारे में। हाँ, बड़ा अच्छा तवीज देते शौहर, दो मिनटों में ना वो बन जाएगा। हाँ, वो जो हर वक्त आगे पीछे फिरता है ना, और नीनी कुत्ता नहीं, वो जो घर के सारे काम करता है ना। हाँ, गुलाम शौहर ना दो मिनटों में गुलाम बन जाएगा। ये हेलमेट वाले बाबा बड़े अच्छे तवीज देते। हमारे दूर के रिश्तेदार है ना, शाम तक घर पे हैं, तो हो सकता है उसके बाद उनको पुलिस ले जाए। हाँ, वो पुलिस वाले सिक्योरिटी के साथ लेके जाएंगे ना उनको, इसलिए चल जल्दी आ जा फिर। खां, खुदा हाफिज। ओ भाई, पैसे कब आएंगे? आते ही होंगे ना यार, तुम लोगों को जल्दी क्या है? अरे है ना भाई, जल्दी है, क्यों नहीं है? अगर खूबसूरत को पता चल गया कि इस हेलमेट के अंदर नवाब है, अरे भाई तो हमारी शामत आ जाएगी। अरे अच्छी खासी शामत आएगी। ओ, उसे नहीं पता चलेगा, सारा वक्त तो मैं इस मनहूस हेलमेट पे था, कैसे पता चलेगा उसको? इस हेलमेट की वजह से बचा हुआ तो भाई अभी तक। अब ये मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, कुछ ऐसा करो कि मैं ज्यादा वक्त ऊपर ही रहूं। ओ खुदा की कसम, इस हेलमेट में सांस नहीं आती मुझको यार। इससे पहले कि तुम्हारा सांस टूटे, हमारे पैसे हमें दे दो भाई। और हाँ, ये भी बता देना कि तुम्हारे मरने की इतला सबसे पहले तुम्हारी बहन को देनी है या पुलिस को? इतनी जल्दी नहीं है मेरा सांस टूटने वाला, और ना ही इतनी जल्दी मैं मरने वाला हूँ। अभी पूरा कारोबार खड़ा करना है मुझे, वो इस इलाके के नशियों का मसीहा बनेगा नवाब। नशियों का मसीहा? यार मैं मुसा भी इस डायलॉग सुना सुना सा है यार। मसूद कफील, जल्दी से हेलमेट वाले बाबा को नीचे लेकर आए, उनसे कोई मिलने आया है। अरे लगता है तुम्हारे बंदे पैसे लेकर आ गया, जल्दी से हेलमेट पहनो और आओ नीचे। छोड़ दे चाहे बिस्किट होता रहे, गाड़ा बनवा दूंगा चाय तुम्हारे लिए। चलो, तुम लोग मेरी जान ले और चाहे नहीं। चलो चलो भाई। हेलमेट वाले बाबा आ आ, हेलमेट वाले बाबा आ आ, हेलमेट वाले बाबा आ, हेलमेट वाले बाबा आ 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 आ, हेलमेट वाले बाबा जी। ये जो है ना, इनके यहाँ बहुत कोशिश के बावजूद भी औलाद नहीं हो रही है। ओ भाई, अगर इसके औलाद नहीं हो रही वो तो मैंने क्या करना है, इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ। आप कुछ पढ़ फूंक कर देना बाबा जी प्लीज। अच्छा कुछ पढ़ना है वो तो पढ़ दो, मैं देता हूँ। और टू वन जा टू, टू टू जा फोर। अरे बाबा जी, ये तो टू का टेबल है सही। अरे बाबा जी के पढ़ने में ना बड़ी बरकत है, ये कुछ भी पढ़े ना मसला हल हो जाता है। हाँ, मुंह में भी पढ़ ले तब भी मसला हल हो जाता है। बाबा जी यहाँ बैठ के इस्लामाबाद मरी पता नहीं कहाँ कहाँ फूंक मार देते हैं, काम हो जाता है। बाबा जी मेरा शौहर दूसरी के चक्कर में है। और शुक्र कर वो मूर्ख दूसरी के चक्कर में है, और ये पाजी तो तीसरी चौथी पांचवी सबकी चक्कर में है। ये सब क्या हो रहा है? और पुत्र कुछ नहीं बाबा जी, सब में वो बांट रहे। तो क्या प्यार? प्यार नहीं, नहीं प्यार नहीं, वो जिससे खून की उल्टियां लग जाती हैं दुश्मनों को। माँ जी, जानू माँ जी का मतलब है तावीज। बाबा जी मेरे पापा का क्या हुआ है, कब तक रिहा होंगे वो? ओ बाबा जी ने फूके मार दी है, और बहुत जल्दी असर होगा बाबा जी की फूकों का। हाँ, अभी बस पहुँचने वाली होंगी फूके, फिक्र नहीं करो। मेरे पापा तो लाहौर में रहते हैं बाबा जी, आपने कराची में बैठे बैठे लाहौर फूके कैसे मार दी? अरे बाबा जी की फूके जो है ना बहुत करामाती फूके हैं। हाँ जानू, लास्ट टाइम तो न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी बाबा जी की फूक। हाँ, दो दिन दुबई में स्टे भी किया था। बस हम लॉन में बैठ कर चिल्ला काटेंगे तसल्ली से, यहाँ हमारा दम घुट रहा है। तो आप हेलमेट उतार देना बाबा जी। गुस्ताख लड़की, ये हेलमेट हमारी जान है, अगर हमने इसको उतार दिया तो सीधे अंदर चले जाएंगे। क्या क्या कर रही हो
हो जानू, क्यों बाबा जी को तंग कर रही हो यार? बाबा जी आप चाहे चिल्ला काटे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाले बाबा। चलो भैया आप लोग, तुम अपने अपने घरों को चलो, चलो निकलो निकलो यहाँ से, हो गया बड़ा था बीच में। चलो 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 चलो, तो एक कम कॉफी ले, कॉफी का पैक बनवा लो। तुबलों को मैं डर गया, मैं समझा खूबसूरत आ गई है। वो जालिमों, वो खुदा के बंदो, कहाँ फंसा दिया है? वो क्या जरूरत थी लोगों को बुलाने की? मैं कहाँ से पढ़ाइयाँ करूंगा? वो मैं क्या पढ़ के इतने दम दरूद करूंगा? अरे टू का टेबल पढ़ा तो था तुमने, अगली बार थ्री का पढ़ लेना। और थ्री का मुझे याद नहीं है। ओ भाई तू 3.5 का पढ़ लेना, 4.25 का पढ़ लेना। ओ भाई तू कुछ भी सुना देना, कुछ भी पढ़ के फूंक देना उनपे यार। एक मिनट रुको। हेलो, क्या तुम लोग आ गए हो बाहर? अच्छा ठीक है, मेरा बंदा आएगा, तुम्हें ला रहा अंदर। महमूद साहब बाहर मेरे बंदे आए हैं पैसे लेकर, जाए उनको जल्दी से अंदर ले। हाँ मैं अभी लाया, अभी लाया। देखो भाई नवाब, ये क्योंकि हेलमेट वाला आइडिया मेरा था, पैसे तुमने मेरे हाथ में रखने हैं। यार बाप तो वो है। अरे इतने बड़े मुंह वाला बाप मुझे नहीं चाहिए। पैसे आएंगे, मैंने बाप बदल देना है। क्या बदल रहे नबी? कुछ नहीं, महमूद साहब पसीना आ गया तो मैं टी शर्ट बदल लूं। बहुत ही कपड़े गंदे करता है ये सारा। बंदे तो बुलाए। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। बाबा ही नवाब, बड़ा उस्ताद हो गया तू, जेल तोड़ के भाग आया, कराची से लाहौर तक तेरे चर्चे। अच्छा थैंक यू ज्यादा बातें नहीं कर, पैसे लाया पूरे। ओ नवाब के बच्चे, ये सब क्या था? अरे तुमने तो पैसे देने का कहा था, ये सब क्या है? ओ वैसे ही पैसे आएंगे, यही से चलेगा नवाब का कारोबार साहब। ओ भाई तू फिर फंसवाएगा हमें। हाँ यार फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करो, धंधा चलेगा, तुम लोगों को डबल पैसे दूंगा। अच्छा बात सुनो, बात सुनो, अंदर चलते हैं वरना खूबसूरत कहेगी कि वो बाबा जी का चिल्ला खत्म नहीं हुआ। अच्छा पैसे तो पकड़ा चला ही गए हैं अब तो, पकड़ा दे पकड़ा दे। चलो चलो चलो, आज वो आज वो आज वो बाबा, हेलमेट बाबा, हेलमेट बाबा, हेलमेट बाबा, हेलमेट वाले 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 बाबा। जी क्या हुआ, कुछ बताया आपके मौकलों ने कि कब मेरे पापा रिहा होंगे जेल से? मैं कोशिश कर रहा हूँ मौकलों को मनाने के लिए, अभी इस काम के लिए। आप कुछ ऐसा करें कि मेरे पापा रिहा हो जाए और उस नवाब को पुलिस पकड़ के ले जाए। मैं तो कहती हूँ जी कीड़े पड़े उस जंडिम्मी के। बाबा जी एक काम करें, मैं तो कहता हूँ उसका एनकाउंटर ही करा। कमाल की बात कर रहे हो तुम लोग, वो मेरे चिल्ले में तो आया, ये नवाब तो बड़ा बड़ा अच्छा आदमी है। बाबा जी मेरा ख्याल है आपका चिल्ला जो है ना वो ठीक नहीं था, आप एक और काम करें, एक नया चिल्ला काटें कि नवाब के हाथ पांव टेढ़े हो जाए। बाबा जी बाबा जी बाबा जी, आपका बाबा जी, मैं आपका स्पेशल तावीज लेने आया हूँ बाबा जी, मुझे वो वाला स्पेशल तावीज चाहिए बाबा जी। ओ भाई तू है कौन, अंदर कैसे आ गया? बस बाहर का दरवाजा खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया। बाबा जी मैं आपको वो वाला स्पेशल तावीज लेके ही जाऊंगा जो अभी अभी यहाँ से कुछ लोग लेके निकले थे ना, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा तो ऐसे बोलना तुझे स्पेशल तावीज चाहिए, और इसके लिए तो पैसे भी स्पेशल लगते हैं। बाबा जी आपकी खिदमत में पेश है स्पेशल तावीज के, आपके लिए स्पेशल पैसे। इतने सारे पैसे, ये कैसा तावीज है भाई? शुक्रिया बाबा जी शुक्रिया। ये ले बच्चा स्पेशल तावीज, ये ले शाबाश, दम लगा के हैया 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 हैया। उतार अपना हेलमेट, सबूत के साथ तुझे पकड़ा है, ये पुलिस की रेट है। नहीं नहीं नहीं, हेलमेट मत उतारना बाबा जी, वरना अजाब आएगा, हम सब जल के भस्म हो जाएंगे। हाँ और सबको पता चल जाएगा कि हेलमेट के अंदर वहाब है। वहाब नहीं, नवाब माजी नवाब। नवाब तो इसका मतलब है कि आप तीनों भी इसके साथ मिले हुए थे, इसीलिए तो ये तीनों भी इसके साथ जेल जाएंगे। चलो उठो सब खाने चलो। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।
बल बनाते चलते।